हेलो गाइस, मेरा नाम है रुद्र। अब देख रहे हैं आरडीए साइंस। तो गाइस, आज हम एसिड पे प्रयोग करने वाले हैं। और जब हम सोडा पीने के लिए जाते हैं तो सोडा में भी एसिड होता है। हम पेट में जब हमको दुखता है, हमको खाना जो हम खाते हैं वो पचता नहीं है, तभी हम एसिड यानी कि सोडा चीज पीते हैं। तो गाइस, आज हम वही बनाने वाले हैं, लेकिन सोडा नहीं बनाने वाले हैं। आज हम उसकी जैसी एक चीज बनाने वाले हैं जो हम जो पीते हैं तो हमारा पेट दर्द ठीक हो जाता है। आपको भी पता होगा, जब हम पेट दर्द होता है तो हम नींबू पानी या सोडा ऐसा कुछ पी लेते हैं। तो गाइस, आज हम वही बनाने वाले हैं। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको चाहिए पानी, और पानी तो ये है, हमने इसमें नींबू निचोड़ दिया है। देखो गाइस, निचोड़ दिया है इतना। तो हमको चाहिए बेकिंग पाउडर और नमक। तो चलो गाइस, अब इसमें हम नमक और बेकिंग पाउडर दोनों डाल देते हैं पहले। तो गाइस, अभी हम इसमें नमक डाल देते हैं। आपने देखा, नमक डाला तो कुछ भी नहीं हुआ। असली जादू तो अब है, देखना गैस असली जादू। ये डालते हैं, फिर असली जादू देखना गैस। देखो गैस, ये असली जादू। ओ गैस, ये छलकने वाला है, बाहर निकलने वाला है गैस। देखो गाइज, ये एसिड प्रयोग है गाइज, आप देख सकते हो। हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नींबू निचोड़ा है। देखो गाइज, तो गाइज देखा कि आपने देखा कि हमने इसमें नींबू डाला और फिर नमक डाला, तब कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हमने बेकिंग पाउडर डाला तो वो कैसे बात झाक झाक सब हो गया। तो गैस ऐसा क्यों होता है आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। जो नींबू है, नींबू उसमें विटामिन सी यानी कि एसिड होता है। हम जो खाते हैं वो एसिड होता है, खाने का एसिड लैक्टिक एसिड होता है इसमें, शायद मेरे को पता है। हाँ, लैक्टिक एसिड होता है। और जो बेकिंग पाउडर है वो उसमें साइंस में क्या होता है हमको नहीं पता। और हम इस दोनों में हमने मिक्स किया तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि हम सोडा जो पीते हैं उसमें भी एसिड होता है। इसलिए जब हम वो सोडा वाला हमको सोडा देता है तभी उसमें भी झाग निकलता है। सिर्फ यही टेक्निक थी गाइस, यही प्रयोग था आज का। तो आपको ये अच्छा लगा हो तो यार प्लीज यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। तो चलो गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।